आज की इस वीडियो में हम एक और अहम अलामत जो कि मेदे और गैस से रिलेटेड है वो डिस्कस करेंगे, उसकी वजूहात देखेंगे और ऐसी कौन सी होम रेमेडीज़ है जिससे हम इस अलामत से छुटकारा पा सकते हैं, और अगर होम रेमेडीज़ या लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन से फ़ायदा ना हो तो हमें कब डॉक्टर को दिखाना चाहिए और कौन सी मेडिकेशंस का इस्तेमाल करना चाहिए। इस टॉपिक का नाम है गैस का पैदा होना और इसके साथ दिल की धड़कन का बहुत तेज़ हो जाना, जिसको उर्फ़े आम में हम लोग गैस और पल्पिटेशंस भी कहते हैं। और ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियो सुनने के लिए आप मरहम के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आसिफ गुल है और मैं हेड ऑफ़ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी डिपार्टमेंट सर्विसेज हॉस्पिटल लाहौर में काम कर रहा हूँ, और मैदा और जिगर के अमराज, इसके साथ इसके सारे जो भी बीमारियाँ और अलामत हैं उनके लिए जो भी ट्रीटमेंट ऑप्शंस हैं, फार्माकोलॉजिकल ऑप्शंस यानी कि दवाइयों से रिलेटेड, एंडोस्कोपिक ऑप्शंस यानी मैदे और बड़ी आंत के बसरी मुआयने से रिलेटेड जो भी ऑप्शंस हैं वो उनके माहराना राय और तजवीज़ के लिए मैं काम करता हूँ। हमारे इस वीडियो में जो बात बहुत इम्पॉर्टेंट है वो डिस्कस करने की ये है कि जो ही हमारे मैदे में गैस प्रोड्यूस होती है तो हम उसकी कोई शक्ल, उसकी कोई अलामत दिल की धड़कन की तेज़ होना भी हो सकता है। अपनी वीडियो को एक्सप्लेन करने से पहले मैं सब अपने व्यूअर से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको पैल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन तेज़ हो रही है तो हर हाल में आप अपने दिल के सारे टेस्ट ज़रूर कराएँ। पहले ही नंबर पर या पहले ही स्टेप पर गैस को मुर्द इल्ज़ाम ठहराना ठीक नहीं, लेकिन इसके साथ साथ हम इसको कंसिडर करते हैं, बट फर्स्ट प्रेफरेंस हमारी ऐसे सारे मरीज़ जो दिल की धड़कन तेज़ होने के साथ, दिल की धड़कन के महसूस होने के साथ, दिल की धड़कन के बेतरतीब होने के साथ हमारे पास इमरजेंसी में या आउटडोर क्लिनिक्स में विज़िट करते हैं, उनके सबसे पहले हम दिल के टेस्ट कराते हैं। लेकिन इनमें से 25-30% लोग ऐसे भी हैं जिनके दिल के टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, और जब हम उनको कंप्लीट हिस्ट्री और एग्जामिनेशन से प्रोब करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि इनकी ये दिल की धड़कन का तेज़ होना मैदे में प्रोड्यूस होने वाले गैस से मुतल्लिक है। जैसा कि आपको पता है कि हमारा दिल हमारे सीने के अंदर बाएं जानिब लोकेटेड है, और हमारा जो स्टमक है वो हमारे एब्डोमन में ऊपर वाले हिस्से में यानी पेट के ऊपर वाले हिस्से में और बाएं हिस्से में लोकेटेड है, यानी कि वहाँ हमारे जिस्म के अंदर रखा हुआ है। अब जब हमारे स्टमक में किसी भी वजह से, ज़्यादा खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा मुरक्कन ग़िज़ाएँ खाने की वजह से, बहुत ज़्यादा मसालेदार खाने खाने की वजह से, या लेट नाइट खाना खाने की वजह से, खाना खा के फौरन सो जाने की वजह से, या किसी इन्फेक्शन की वजह से, या दर्दों की दवाइयाँ खाने की वजह से गैस बहुत ज़्यादा बन रही होती है, तो उसकी एक तरह से अलामत हमें ये महसूस होता है कि जैसे हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो गई है, हमारे दिल की रेस लगी हुई है, जिसको हम उर्फ़ आम में पैल्पिटेशन कहते हैं। दूसरे नंबर पर इसकी एक बड़ी वजह ये है कि स्टमक के गैस से फिल हो जाने की वजह से हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर एक नर्व है, वागस नर्व, जो कि स्टिमुलेट होती है। वागस नर्व का ओरिजिनल काम या असल काम ये है कि वो दिल की रफ़्तार को सुस्त करती है। जब दिल की रफ़्तार सुस्त होती है और हमारे ऑटोमेटिक नर्व्स पेसमेकर इसको डिटेक्ट करते हैं जो ऑलरेडी हमारे दिल के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने लगा रखे हैं, तो फिर वो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाते हैं ताकि दिल की धड़कन को बढ़ा सकें। इस रिफ्लेक्स आप समझ लें या इसके रिएक्शन के तौर पर, वागस नर्व के स्टिमुलेशन के रिएक्शन के तौर पर हमारे दिल की धड़कन बहुत तेज़ हो जाती है, जिसकी वजह से हमें ऐसा महसूस हो रहा होता है कि जैसे हमारा दिल बहुत तेज़ तेज़ धड़क रहा है, और इसकी बुनियादी वजह गैस का बनना और मैदे से प्रॉपर खारिज ना होना है। इसके लिए हमें क्या किया जा सकता है, इसकी रेमेडीज़, होम रेमेडीज़ फिर वही हैं कि आप अपने थोड़ा लाइफस्टाइल को मॉडिफ़ाई करें, पेट भर के खाना ना खाएं, पोर्शंस में मील लें और मुतवाजन ग़िज़ा इस्तेमाल करें, मुरगन ग़िज़ाओं से, तली हुई ग़िज़ाओं से, तेज़ मिर्च मसाले वाले ग़िज़ाओं से, खट्टी ग़िज़ाओं से परहेज़ करें। रात का खाना सोने से 3 से 4 घंटे पहले खा लें, और रात को सोते वक्त अपने सर वाला हिस्सा 6 इंचज़ तक ऊँचा रखें। इसके साथ साथ फिजी ड्रिंक्स यानी कि कोक, स्प्राइट वगैरह, इसके साथ साथ कॉफ़ी और कैफीन और स्मोकिंग और दर्दों की दवाइयाँ जैसे डिस्प्रीन, एस्प्रीन, पॉन्स्टन, ब्रोफन भी हमारे मैदे में स्वेलिंग करके इन अलामात को बढ़ा सकती हैं, तो हमें इन चीज़ों से मुकम्मल तौर पर परहेज़ करना चाहिए। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि कब आपको अपने डॉक्टर से मिलना चाहिए। अगर आपका
वज़न कम हो रहा हो, अगर आपको इसके साथ मुसलसल मतली उल्टी की कैफियत हो और अगर उस उल्टी में कुछ खून का कंटेंट भी शामिल हो, या आपकी फैमिली हिस्ट्री भी हार्ट बर्न्स वगैरह की हो और इसके साथ मेदे या जिगर की किसी बड़ी बीमारी की हो, अगर आपको ये अलामात मुसलसल दवाइयाँ इस्तेमाल करने के बावजूद भी आ रही हैं तो फिर आपको फौरन अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए, इसके मुतालिक मज़ीद इन्वेस्टिगेशंस करानी चाहिए और इसका प्रॉपर इलाज कराना चाहिए। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। इस वीडियो को सुनने के बाद अगर आपका इस मौजू के बारे में कोई सवाल है तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप मुझसे मिलना चाहते हैं तो इन क्लिनिक या ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए आप marham.pk के थ्रू मुझसे राबता कर सकते हैं।